लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके मुंबई के जो बाजार हैं वो दिवाली शॉपिंग के लिए लगातार खुल गए हैं। आप मेरे पीछे की भीड़ देख सकते हैं, ये सुबह 8 बजे का वक्त है, यहाँ पर बाजार लगना अभी शुरू हो गया है। दिवाली के लिए महज 1 हफ्ता बचा है, जिसके चलते लोग जो हैं बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और दिवाली शॉपिंग के लिए जो है वो बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर कोई भी गंभीर होता नजर नहीं आता। भीड़ जो है आपको यहाँ पर ज़बरदस्त नज़र आएगी, लोग जो हैं कई लोग विदाउट मास्क आपको दिखाई देंगे, कुछ लोगों ने मास्क भी जो है वो नाक के नीचे लगा रखा है। और जो है भीड़ आप देखिए कि किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो छोड़िए, कोई ये तक चिंता नहीं कर रहा कि उन्हें आसपास का जो व्यक्ति है उसने मास्क पहना है या नहीं। लोग शॉपिंग के लिए बराबर आ रहे हैं। आप लोग डर तो नहीं लग रहा है अभी, कोरोना है लेकिन हम लोग धराबे में भी रहता हूँ, दादर में धंधा करता हूँ, लेकिन कुछ डर नहीं है, कुछ भी डर नहीं है। क्या डर रहेगा जब केवल मास्क हम लोग लगाता हूँ बस। मैं आपको पीछे की भी तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पे कई महिलाएं भी जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए आती हैं, यहाँ पर मौजूद है। आप लोग शॉपिंग के लिए आए, डर नहीं लगता कोरोना का? नहीं, कई लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह बाहर निकलना कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना है। आप देखेंगे कि सुबह 8 बजे की तस्वीर है, दादर जो कि प्राइम लोकेशन माना जाता है, प्राइम इलाका है मुंबई का, वहाँ की तस्वीर है। भीड़ जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए जहाँ कैमरे से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हर तरफ लोग ही लोग नज़र आएंगे। शाम की भीड़ होती है वो अलग होती है, ये सुबह की तस्वीर है, सुबह भी लोग इस तरह नज़र आ रहे हैं। कई लोगों ने मास्क नहीं पहना है, किसी भी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर भीड़ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। लाखों लोग यहाँ पर कोरोना के पहले जो है शॉपिंग के लिए आते थे, अब वही नज़ारा यहाँ पर एक बार फिर दिखाई देना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे पीछे जो है लोग, आप लोगों को डर? डर तो लगता है लेकिन रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे। हाँ टेंशन तो होती है लेकिन जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो हम लोग तो ले रहे हैं। अभी घर पे जाके नहाएंगे सबसे पहले, ये सब रख के। तो दिवाली शॉपिंग को लेकर आप यहाँ पर आए? नहीं नहीं दिवाली शॉपिंग नहीं, ये तो डेली का है जो अपना वेजिटेबल्स वगैरह वो दिवाली शॉपिंग में। कोई भी मास्क नहीं पहनता ज़्यादा? हम लोग अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं लेकिन खुद अपना। थैंक यू। तो इस तरह लोगों ने कई बातें की, कई सारी चीज़ें, लेकिन भीड़ जो है आप मेरे पीछे देखेंगे वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि BMC जो मास्क नहीं पहनते उनको लेकर जो है फाइन बकायदा लगाती है और कई सारी चीज़ें सामने आती, करोड़ों का उन्होंने अपनी करोड़ों की वसूली की है, जो लोग फाइन मास्क नहीं पहनते उनसे फाइन लेकर। ऐसे में क्या किस तरह ये गवर्नमेंट काम कर रही है, कई सारे सवाल उठते हैं क्योंकि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ अमृता दुबे, इंडिया TV मुंबई।